फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजनेस पे चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल की मदद से पैन इंडिया लेके जा सकते हो। देखो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देने वाला हूँ फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में, तो पूरी वीडियो को एंड तक देख के जाना। जब आप फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में जाने का सोच रहे हो ना, तो आपको 6 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है फ्रेंचाइजी का मॉडल तैयार करना। मॉडल के अंदर क्या क्या आता है? मॉडल के अंदर सारी चीज़ आती है कि आप कितनी रॉयल्टी चार्ज करोगे, ब्रांड की यूएसपी क्या है, ब्रांड की स्टोरी क्या है, और कैसे सामने वाले इन्वेस्टर को आपकी ब्रांड के साथ जुड़ के फ़ायदा होगा, कितने टाइम में आरओआई मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। ये सारी चीज़ें फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर आती है और बहुत ध्यान से विद कैलकुलेशन इस मॉडल को तैयार करा जाता है, जिससे लेटर ऑन ना तो आपको लॉस हो और ना जो आपकी फ्रेंचाइजी ले रहा आपका इन्वेस्टर उसको लॉस हो। और साथ साथ इसकी पीपीटी बनाई जाती है, वीडियो फॉर्म में इसको क्रिएट करा जाता है। पीपीटी और वीडियो की जरूरत है, मैं आपको समझाता हूँ। आप जब सामने वाले को एक्सप्लेन करोगे तो वीडियो से बहुत इजीली सामने वाला अंडरस्टैंड कर लेता है कि बिजनेस क्या है, कैसे रन होगा, और पीपीटी से वो हर चीज़ रीड कर सकता है। दूसरी चीज़ जो कि रिक्वायर्ड होती है वो होती है फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप किसी को फ्रेंचाइजी दे रहे हो, किसी को अपना इन्वेस्टर बना रहे हो, अब रहा चलते किसी को इन्वेस्टर नहीं बना सकते, पहले उसकी ऑडिट करनी पड़ती, देखना पड़ता है बंदा सही है या नहीं है, फिर उसके बाद सारे टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर करनी पड़ती है। क्योंकि देखिए, आप अपनी ब्रांड उसके हाथों में दे रहे हैं, कल कोई उसने आपकी ब्रांड के SOP मैनुअल्स, प्रोसेस, USP हर चीज़ कॉपी कर ली, मार्केट के अंदर खुद ने एक नई ब्रांड चालू कर दी, तब क्या करोगे? उसी के लिए NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, NCA, नॉन कम्पीट एग्रीमेंट, सॉलिडेशन क्लॉज, ये सारी चीज़ें फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के अंदर डाली जाती है, जिससे अगर लेटर ऑन डिस्प्यूट होता है, कोई भी फ्रेंचाइजी आपके साथ दिक्कत करता है, तो आप तुरंत उसको लीगल नोटिस भेज सकते हो। फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट बहुत जरूरी पार्ट होता है, क्योंकि देखिए, शुरुआत में जब इन्वेस्टर आता है तब सब कुछ सही होता है, बट लेटर ऑन जब डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, उस समय से फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट ही काम आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तीसरी चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड है वो है फ्रेंचाइजी में SOP। SOP होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। मैकडोनल्ड्स, पिज्ज़ा हट, KFC, इनका टेस्ट हमेशा सेम इसलिए आता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, SOP को फॉलो करते हैं। हर बड़ी ब्रांड के पास एक SOP होता है, मैनुअल होता है, इवन ज़ारा का एक मैनुअल है, स्टारबक्स का एक मैनुअल है, तो आपको मैनुअल और SOP चाहिए, कंसल्टेंट चाहिए जो आपको एडवाइस करेगा कि SOP प्रोसेस कैसे तैयार होगा आपकी ब्रांड के अंदर। अगर SOP प्रोसेस नहीं होगा तो हर बार हर आउटलेट पे मिस्टेक्स होना चालू हो जाएंगी, आपको बार बार वहाँ जाना पड़ेगा, कस्टमर्स की प्रॉब्लम आएगी काफ़ी ज़्यादा, इसलिए SOP स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर जा रहे हो। चौथी चीज़ है रिस्क कैलकुलेशन। देखो, जब बिजनेस बड़ा होता है ना तो रिस्क भी बढ़ती है। छोटे शिप को बचाना बहुत ईजी है, बट टाइटैनिक जैसे बड़े जहाज को डूबने से बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रिस्क कैलकुलेशन इसलिए करी जाती है कि जितना हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्या कंपनी उतना रिस्क बियर कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर नहीं कर सकती तो वहाँ पे एक्सपेंशन को बहुत सोच समझ के किया जाता है, हर चीज़ को 10 बार चेक करके किया जाता है। पांचवी चीज़ है PR, पब्लिक रिलेशन। अब देखो, जितनी भी बड़ी ब्रांड है ना, वो आज के टाइम पे सोशल मीडिया के थ्रू हिट हो रही है। आपकी ब्रांड कितने सोशल मीडिया अकाउंट पे फीचर हो रही है, कितने बड़े सोशल मीडिया अकाउंट पे फीचर हो रही है, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, बड़ी बड़ी ब्रांड्स आज के टाइम में उसकी PR करवाती है, जिससे सोशल मीडिया के ऊपर उनकी विजिबिलिटी बनी रहे और जो सोशल मीडिया में दिख रहा है वो आज के टाइम में बिक रहा है। तो PR हर फ्रेंचाइजी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 चीज़ है वेबसाइट। किसी भी ब्रांड के लिए एक अच्छी वेबसाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, टी टाइम्स, इनकी आप वेबसाइट जाके चेक करो। वेबसाइट आपकी एक ऑनलाइन दुकान होती है जो 24 घंटे खुली रहती है। अच्छी वेबसाइट विद गुड लैंडिंग पेज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में अगर आप एक फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर जा रहे हो। क्योंकि देखिए, कोई भी आपके ब्रांड के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले ऑनलाइन जरूर सर्च करेगा आपकी ब्रांड के बारे में। और देखिए, फ्रेंचाइजी बिजनेस में जाना कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस में दम है ना तो ईजिली पैन इंडिया आप एक्सपेंशन कर सकते हो। अगर आप हमारे फ्रेंचाइजी पैकेज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल करिए, हमारे कंसल्टेंट आपसे कनेक्ट होंगे। और अगर आपको हमारे काम के बारे में, क्लाइंट्स के बारे में, सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानना है तो हमारी वेबसाइट billionsbee.com पर विजिट करिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है, आप मेरे को @BhopriSoni इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपने इस वीडियो में यहाँ तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, इसके लिए धन्यवाद।